हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ दक्षेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए। दक्षेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार के कनकल में है। मान्यता के अनुसार ये वही मंदिर है जहाँ राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवी देवताओं, ऋषियों और संतों को बुलाया गया था, पर भगवान शिव को नहीं बुलाया गया था। इस यज्ञ में माता सती अपने पिता राजा दक्ष द्वारा भगवान शिव का अपमान सहन नहीं कर पाई और उसी यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों को त्याग दिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता लगा तो गुस्से में उन्होंने राजा दक्ष का सर काट दिया। फिर देवताओं के कहने पर दक्ष को भगवान शिव ने जीवन दान दिया और उनके धड़ पर बकरे का सर लगा दिया। राजा दक्ष को जब अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी, तब भगवान शिव ने ये घोषणा की कि वे हर साल सावन के महीने में कनखल में निवास करेंगे। यही कारण है कि सावन के महीने में यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। सावन के महीने में जो भी यहाँ आकर जल अभिषेक। दक्षेश्वर महादेव मंदिर के बिल्कुल पास गंगा किनारे दक्ष घाट है, जहाँ शिव भक्त गंगा स्नान कर भगवान शिव के दर्शन करके आनंद प्राप्त करते हैं। कनखल को भगवान शिव की ससुराल माना जाता है।